नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले जबरदस्त बुलंद। नाका थाना क्षेत्र में युवक को बंधक बनाकर जमकर पीटा गया। युवक को 7 तारीख को मिली थी जान से मार देने की धमकी। 7 तारीख को युवक गया था दुगावा चौकी अपनी शिकायत लेकर, मगर चौकी प्रभारी ने उसको टरका दिया था। पीड़ित का आरोप कि 9 तारीख को बंधक बनाकर असलहे की बट से दबंगों द्वारा जमकर पीटा गया। पीड़ित युवक ने बताया कि किसी तरह उसके चंगुल से बचकर भागा हूं। युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट है। पीड़ित युवक का कहना है कि हिंदू महासभा के लोग हैं जिन्होंने युवक को बंधक बनाकर पीटा है। पूरा मामला नाका थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। बंधक बना के मारा गया है। ये वाकया नाका थाना दुगावा चौकी के पीछे का है। 7 तारीख को विवाद हुआ था और 7 तारीख को इन्होंने मेरे घर पर आकर धमकी दी और मैं इस घटना को लेकर चौकी गया अखिलेश यादव पे अपनी पत्नी के साथ। तो मैंने उनसे बोला कि जान से मारने की धमकी दे गए, तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं होगा मैं बैठा हूँ। 7 तारीख को तो मैं चला आया। इन्होंने 9 तारीख को मुझे 8:30-9 बजे इन्होंने ऐसा बंधक बनाया एक कमरे में चुपके से बुलवा के एक लड़के के बहाने, और वहाँ सारे भाई लोग तो जितने थे बंटी जितेन जैकी विक्की देसन और उसका बेटा जो कि विवाद उसी से वो गैंगरेप के मामले में कई थानों में वांटेड भी है, गैंगरेप में भी जा चुका है हाथी खाने पे, तो बहुत ही अपराधी किस्म का है। और जो बंटी से उनका जिन्होंने सब किया, जिन्होंने हमला करके मुझे पिस्टल लगी है इनके पास स्टील की है मतलब निखिल वाली है, इन्होंने बटी बट मारा है और 2.5 घंटा मुझे मारा। मैं कैसे निकला हूँ मैं जानता हूँ।